बिजनौर में इस वक्त सख्त गर्मी पड़ रही है। पंखों और कूलरों में भी लोगों को चैन नहीं मिल पा रहा है। बिजनौर में इस बार अभी तक बारिश भी नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोग गर्मी से बिलबिला उठे हैं। ख़ासतौर से बुजुर्ग और बच्चों का तो बुरा हाल है, और उस पर अगर कई कई घंटे तक बिजली ना आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घरों की क्या हालत हो जाती होगी। जिनके मकानों पर ऊपर मकान बने हुए हैं उनको तो फिर भी थोड़ा सुकून रहता है, लेकिन जिनके घरों में चारों ओर से धूप आती हो और मकान बुरी तरह से तपते हों, उनका लाइट भागने पर क्या हाल होता होगा, इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। कल बिजनौर के मोहल्ला बुखारा में लाइट में कोई फॉल्ट होने की वजह से कई घंटों तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों के बैटरी भी डाउन हो गए और लोग गर्मी से बेहाल हो उठे। देर रात तक भी जब बिजली नहीं आई तो लोगों के झुंड बिजली घरों की ओर हो लिए और लोग सड़कों पर जमा हो गए, लेकिन देर रात तक भी बिजली सही नहीं हो पाई थी। भीड़ लग रही है बिजली का नंबर 9 पे, क्या मामला पूरा? ये देखो कि बिल्कुल गर्मी का पीक टाइम चल रहा है और ये नहीं कि कोई टाइम ना दिया गया, और रिपेयरिंग का शाम तकरीबन 3:30-4 बजे से लाइट गई हुई है, और बड़ों के साथ साथ बच्चे इतने परेशान हैं, किसी को अंतहा नहीं है। और लाइट के लिए यहाँ देखा कि गेट बंद है, और हमने सुरक्षा का इंतजाम करके हमने आराम से बैठ गए, और कितनी पब्लिक यहाँ खड़ी है, सब परेशान है। ये भी नहीं कि ये पता चले कि लाइट इतने बजे तक आ जाएगी तो कम से कम उससे बाहर टाइम कट जाता है। सब लोग परेशान हो रहे हैं, और गर्मी का इतना आलम है कि बच्चे बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं, मच्छर उसके ऊपर, और लाइट वालों की कोई वो नहीं है, और बिल बिल्कुल राइट टाइम पर अपना हमेशा, और पैसा इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई इसकी नहीं है कि हाँ हमारी लाइट इतने बजे आ जाएगी। और इससे बार भी मैं कम से कम 4th बार यहाँ आया हूँ आज भी, और इससे पहले भी कई बार ऐसे शटडाउन हो चुका है और उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। तो बिजली विभाग के कर्मी क्या आश्वासन दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? नहीं, यही देख लीजिए कि सबके सामने कोई आश्वासन नहीं है, और अपना आराम से बंद पड़े हैं कि भैया अभी कोई मालूम ही नहीं है लाइट कब तक आएगी। ये आज बिजली का नंबर 9 पर हंगामा हो रहा है, क्या मामला पूरा? ये अभी तक फॉल्ट नहीं पता, फॉल्ट कहाँ पर है, और क्या कहते हैं 4:30 बजे से लगे हुए हैं, इन्हें अभी यही नहीं पता फॉल्ट कहाँ पे। SDO भी आके चला गया यहाँ पे, वो भी कह के चला गया मेरे घर की लाइट गई है, इसलिए मैं देखने आया। बिजली विभाग के कर्मी क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? बिजली का बिल लेने से एकदम आते हैं, मगर लाइट की सुविधा कुछ नहीं है, चोरी कर रखी है पूरी इन्होंने। जाके चेक करो, घरों में जाके चेक करो कहाँ गलत बिजली चल रही है। सारे संविदा वाले आदमी लगा रखे हैं, कभी कोई अभी जे ही नहीं आया, कोई इंजीनियर नहीं आया यहाँ पे, सारे संविदा वाले वो भी क्या करेंगे बेचारे। ये आज बिजली घर नंबर 9 पे हंगामा हो रहा है, क्या मामला पूरा? आपका SDO भाग गया, 4 बजे से लाइट नहीं है शहर में। बहुत बढ़िया चला रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई। 4 बजे से लाइट नहीं है, SDO भाग गया, उससे सवाल जवाब करें, अभी तक लाइट नहीं है, और इन्हें फॉल्ट का भी नहीं पता अभी तक, क्या फॉल्ट है, कहाँ फॉल्ट है, इन्हें कुछ नहीं पता। जे इन्हें पागल बना रखा है, पब्लिक परेशान है, पूरे शहर की लाइट नहीं है, डर के हमारे यहाँ पुलिस लगा रखी है, अपना काम ढंग से करता नहीं कोई भी, ना अधिकारी ना कर्मचारी। नहीं तो 24 घंटे लाइट का वादा था, अभी तक कभी भी लाइट जाती है और कभी भी लाइट आती है, बस इतना ही कहना।